शांति मैंने क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी, मन की चंचलता का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहता है। क्यों शांत रहता है, कारण क्या है? तत्तेनुकंपा सुसुमित क्षमा, हमारे कर्मों का फल, ये भगवान की करुणा है, ऐसा समझ करके अपने मन को प्रबोध दे देता है। और गीता में भी बतलाया गया है, वो क्या श्लोक, गीता का द्वितीय अध्याय का अंतिम है, वितराग भय क्रोधा स्थिति मुनि रुच्यते, हाँ, सुखेषु विगत स्प्रिया, सुख की स्प्रिया नहीं रहती जो सुख मिले, दुख सुखेषु विगत, दुख की भी कोई चिंता नहीं, वितराग संसार में आसक्ति दूर हो जाए और निर्भय हो जाता है। जो कुछ हमारे कर्मों का फल है उसको भोगना पड़ेगा, इसके लिए वो चिंतित नहीं होता, उसको भगवान की कृपा मान करके उद्विग्न नहीं होगा, उसको शांति कर देगा। साधक में स्वतः से क्षमा गुण होगा, कहें जैसे यदि हमारी मां को कोई गाली दे तो साले तब तो दे, कोई कारण ही नहीं है तो तुम फिर कैसे उसको सही, कोई कारण होना चाहिए ना, कोई गाली देता है तो फिर सौ, वो गाली आपको स्पर्श नहीं करेगी, उसी को स्पर्श करेगी, अपमान भी करता है तो उसको सौ। उदाहरण स्वरूप परीक्षित महाराज ने मुनि बालक श्रृंगी के द्वारा अभिसंपात पाया, श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को भी संपात किया और उन्होंने कहा कि सातवें दिन मरेगा, सांप बैठेगा। अच्छा, वो क्रोधित होकर के उसको मारा ना, क्या किया, चित्त उनका चंचल हुआ, जा भाई है मर जाऊंगा, ओ भगवान की ये बहुत कृपा, आज ही संसार से विरक्ति होकर के गंगा के तट पर जाऊंगा और भजन, सात दिन तो भजन को समय मिला। और इतने में ऋषि महर्षि सब आगे, वशिष्ठ अंगिरा गौतम इधर, नारद जी व्यास सुखदेव पराशर सब लोग आ गए। उन्होंने कहा कहां ये अभी संपाद, ये तो बर है जाए, इन लोगों का दर्शन नहीं मिलता, भगवान का दर्शन भी सुलभ है, ऐसे भक्तों का दर्शन सुलभ नहीं है, तो ये भगवान की कृपा है। ऐसे ही दुख आने पर सहो, भगवान की कृपा समझो, उसमें कोई ना कोई लाभ है, भगवान के इष्ट धारण, इसलिए कभी घबराओ मत, चित चंचल मत करो, भगवान का भजन करो। इसलिए हम लोगों को जिसको भाव होता वो होगा, हम चाहने पर भी नहीं होगा, चित चंचल हो जाएगा। अभी एक सांप यहाँ पर आ जाए छोड़ दे, देखो कहाँ भागेंगे हम लोग, सब हरी कथा रह जाएगी धरी। और परीक्षित महाराज जी को सांप काटने आएगा भी तो चुपचाप बैठेगा,